हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और इसी के साथ हर पार्टी चुनाव से पहले अपनी घोषणाओं के जरिए लुभावने वादे करने में लगी हुई है। आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 20 वादे किए हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बुडौली, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पहले यह घोषणा पत्र बुधवार को जारी होना था। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था। बाद में उनकी जगह जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय किया गया। मंगलवार देर रात को अचानक ही संकल्प पत्र जारी करने का दिन बदल दिया गया। संकल्प पत्र के अनुसार अगर बीजेपी हरियाणा में आती है तो वह हर महीने महिलाओं को लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए देगी। इसी के साथ सरकार 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसी के साथ साथ आईएमटी खरखोटा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग का अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा रहेगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी दी जाएगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड की सुविधा रहेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त होगा। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। यही नहीं, अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाले प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देने, हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी का जिक्र भी बीजेपी ने किया है। इसी के साथ और भी कुछ अन्य वादे हैं जिनका जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।